हेलो एवरीवन, अभी थोड़ी देर पहले हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और उन्होंने आईआईटी में एडमिशन के लिए जो 75% का रूल था, मतलब अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो बोर्ड में 75% या टॉप 20% में होना पड़ता है, इस रूल को पिछले साल की भांति इस साल के लिए भी यानी 2021 के लिए भी हटा दिया। लेकिन अगर आप उनके ये 2-3 मिनट का जो भाषण था इसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अनाउंसमेंट उन्होंने सिर्फ आईआईटी के लिए किया, एनआईटी, IIIT और GFTI के बारे में कोई बातचीत उन्होंने नहीं किया है। और अगर आप ये पोस्टर भी देखेंगे तो यहाँ पे आई विल बी गोइंग लाइव शॉर्टली टू अनाउंस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन आईआईटी। ठीक है, आईआईटी में एडमिशन के लिए वो अनाउंस करने आए थे, लेकिन एनआईटी, IIIT और GFTI का क्या? और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सेम चीज इन्होंने पिछले साल भी किया था, जब पहली बार इन्होंने 75% वाला रूल हटाया था तो उस समय भी इन्होंने सबसे पहले आईआईटी की ही बात की थी, फिर बच्चों ने ट्वीट किया था, रिट्वीट किया था, ईमेल डाले थे, उसके बाद इन्होंने एनआईटी और IIIT और GFTI के लिए भी सेम चीज अनाउंस कर दिया था। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैंने जैसे ही जेई मेन का ब्रॉसर आया था, जेई मेन का जैसे ही ब्रॉसर आया था, ऑफिशियल ब्रॉसर आया था, उसी समय एक ट्वीट किया था, क्योंकि जेई मेन के ऑफिशियल ब्रॉसर में कहीं भी 75% के रूल को हटाने की बात नहीं की गई थी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि चलो इस साल के लिए तो आप मत हटाओ, लेकिन जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जिन्होंने पिछले साल एग्जाम दिया था, उन्होंने तो एग्जाम पिछले साल दे दिया था, तो जो भी परसेंटेज उनका आया था वो पिछले साल आया था, इस साल वो एग्जाम दे नहीं रहे हैं और उन्होंने पैंडेमिक में एग्जाम दिया था, तो एटलीस्ट ड्रॉपर्स के लिए आप ये 75% वाला रूल हटा दो। और मैंने रिक्वेस्ट किया था बच्चों से, बहुत सारे बच्चों ने रिट्वीट भी किया था, तो अभी मैंने फिर से ट्वीट कर दिया है और उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैंने देखिए ट्वीट किया हुआ है, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट, और उसके बाद लिखा है ही अनाउंसेस द रिलैक्सेशन इन टॉप 20% रूल फॉर द एडमिशन इन आईआईटीज। फिर मैंने लिखा है प्लीज क्लेरिफाई रूल ऑफ टॉप 20% फॉर एडमिशन इन एनआईटी, IIIT एंड GFTI आल्सो। तो ये क्लेरिफाई कर देंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक जेई मेन के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके बारे में कोई जानकारी तो आई नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को या किसी भी मिनिस्टर को कोई भी अगर अनाउंसमेंट करना होता है तो वो ट्विटर का ही हेल्प लेते हैं, तो आई रिक्वेस्ट हिम कि ट्विटर पे ही वो इस चीज़ को भी क्लारीफाई करें, एनआईटी, IIIT और GFTI के भी टॉप 20% और 75% के रूल के बारे में बताएं। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन था जिसको मैंने काफ़ी आप यूं कह लो कि मैं ध्यान से देख रहा था कि वो सिर्फ आईआईटी के लिए अनाउंस कर रहे हैं या एनआईटी, IIIT और GFTI के लिए भी कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सिर्फ आईआईटी के लिए ही अनाउंस किया, एनआईटी, IIIT, GFTI के लिए नहीं किया। बट आप लोग अभी चाहो तो मेरे ट्वीट को आप लोग रिट्वीट करो और इस वीडियो को शेयर करो, ताकि बहुत जल्द एनआईटी, IIIT और GFTI के लिए भी टॉप 20% में रिलैक्सेशन का रूल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अनाउंस करें। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।